बीजेपी के लिए किसान आंदोलन अब सियासी लिहाज से खतरे की घंटी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए खतरे की घंटी बज गई है। राज्य में तकरीबन 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले नगर निगम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत हासिल हुई है। सत्ताधारी बीजेपी मंडी और धर्मशाला में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस को पालमपुर और सोलन में बहुमत मिला। सोलन और पालमपुर निगम का चुनाव को कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीता है। वहीं दूसरी तरफ मंडी और धर्मशाला में बीजेपी की जीत उतनी बड़ी नहीं हुई है। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अब सीएम जयराम ठाकुर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हिमाचल में 5 नगर निगम हैं, जिनमें से 4 में कल वोट डाले गए थे। वहीं शिमला नगर निगम का चुनाव मई महीने में होगा। खास बात यह भी है कि पालमपुर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार का गढ़ है, फिर भी बीजेपी पालमपुर नगर निगम चुनाव बुरी तरह से हारी है। वहीं सोलन हिमाचल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का घर है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी की करारी हार हुई है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम की कुर्सी इस हार के बाद सुरक्षित बच पाती है या नहीं। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।